अगर कोई भी पूछ देता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक लाइन में जवाब कहोगे कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में जो ओ लेवल के एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, है ना, डिफाइन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो तीनों को कैसे कहोगे? पहली बात कहोगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है सी लैंग्वेज में, जो विच कंबाइन अस डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप टूगेदर। क्योंकि एरे में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, और एक किसका कलेक्शन है बच्चों? डिफरेंट डाटा टाइप। मतलब इसमें इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, और चार भी ले सकते हैं एक साथ। जबकि उसमें अगर इंटीजर 10 लिख दिए तो 200 एलिमेंट क्या होंगे? इंटीजर होंगे, ऐसा था। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर हेल्प टू कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप विच मोर मीनिंगफुल। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें आप इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, और कर लेते हो कोई एक जटिल बनाओ, जैसे कि रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया जाता है, तो एक नंबर में पूछता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछे कि स्ट्रक्चर का यूज क्या करने के लिए होता है, तो रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। जैसे एक स्टूडेंट का क्या रिकॉर्ड हो गया, आपका रोल नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, बोलिए कोर्स। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड अगर मैं रख रहा हूँ, तो रिकॉर्ड जब भी रखूंगा वो किस में रखूंगा? मैं स्ट्रक्चर में रखूंगा। तो एक लाइन में कोई पूछ दे कि स्ट्रक्चर और एरे में क्या अंतर है, तो आप एक लाइन जवाब दोगे कि जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था? डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है, और जो एरे होता है वो सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? दूसरी पॉइंट, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि इस समय कि स्ट्रक्चर और यूनियन में मेन अंतर क्या है, तो कहेंगे वो स्टैटिक डायनामिक मेमोरी लोकेशन करता है और इसमें डायनामिक मेमोरी लोकेशन जनरेट होता है। तो पहला अंतर देखिए, दोनों में अंतर भी आ जाता है, डिफरेंट बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। तो पहला लाइन हम पढ़ाए थे कि एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। पहला अंतर क्या बच्चों? मतलब ये समान डाटा को होल्ड करता है, जबकि जो यूनियन स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा टाइप। तो अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर डाटा टाइप, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप। इतना पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर लिखोगे आप कि एरे जो होता है, किसी वैल्यू को अगर एक्सेस करना होता था तो किससे यूज करते थे? इंडेक्स से। और जो इंडेक्स टोटल वैल्यू होती थी जीरो से चालू होती थी, और टोटल जितने एलिमेंट होते थे उसमें से एक कम हो जाती थी। लेकिन स्ट्रक्चर की जो मेंबर होंगी उसको जब भी एक्सेस करना होगा तो कौन ऑपरेटर का यूज होगा? डॉट ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर? या पीरियड ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर? ये हम बताएंगे, उसी का नाम है। दूसरी बात आ जाए कि स्ट्रक्चर का यूज कौन सी मेमोरी लोकेशन जनरेट करने के लिए होता है? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन करता है। और ये किसका यूज करता है? डायनामिक मेमोरी लोकेशन को जनरेट करता है। अगला, इसकी एलिमेंट को एक्सेस करने में टाइम बहुत कम लगता है, है ना, जबकि इसके वैल्यू को एक्सेस करने में क्या होगा? टाइम ज्यादा। ये एरे और स्ट्रक्चर में अंतर हो गया। तो अब आइए हम डीपली पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों? स्ट्रक्चर के बारे में। एग्जाम में आ जाता है कि स्ट्रक्चर का एक लाइन में जवाब देना होगा, तो आप केवल इतना भी लिख सकते हो कि सी स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप, और यहीं पे एरे होता तो कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप। विच आर ग्रुप टूगेदर इच एलिमेंट सी स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसमें जो होते थे जितने एलिमेंट होंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आइए, हम समझ में आ गया होगा कि सी स्ट्रक्चर क्या होता है। एक लाइन में कहेंगे स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो रिकॉर्ड रखने के लिए। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का आपको क्या लेना है? नेम लिखना है, बोलिए, उसका कोर्स लिखना है, उसकी फीस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसकी हाइट लिखना है। तो मान ली उसकी फीस ले लिए,
उसका कोर्स ले लिए। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट का नाम करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसका कोर्स भी स्ट्रिंग हो गया, फीस जो हो गया वो आपका इंटीजर हो गया, उसकी हाइट लिखना है या परसेंटेज लिखना है, क्या लिखना है बाबू, परसेंटेज फ्लोट हो गया। तो क्या है तीनों उसका रिकॉर्ड रखे ना, तो एक में इंटीजर हुआ, एक में करेक्टर हुआ, एक में फ्लोट हुआ। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप हुए ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को रिकॉर्ड करना होता है तो किसका यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता है कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए हम पढ़ा दे, एक दिन बताए थे कि 32 कीवर्ड में एक स्ट्रक्ट कीवर्ड बताए थे, कौन बताए थे, तो स्ट्रक्चर को जब भी डिफाइन करना होगा तो कौन से कीवर्ड का यूज होगा, स्ट्रक्ट। एग्जाम में आ जाता है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड क्या होता है, एक नंबर में तो कहेंगे स्ट्रक्ट एक क्या होता है, कीवर्ड होता है जो स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए होता है, डिफाइन करने। कोई दिक्कत है बाबू, एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रक्ट क्या है तो कहेंगे स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है जो न्यू डाटा टाइप प्राइमरी और प्राइमरी से मिलाकर डिराइव डाटा को बनाने का यूज करता है। जैसे प्राइमरी में क्या थे, इंटीजर, करेक्टर और फ्लोट, तीनों को एक साथ जोड़ना है तो कौन कीवर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रक्ट। आगे समझ में, तो एग्जाम में आ जाता है कि स्ट्रक्ट का मेन काम क्या होता है, यही मेन देखिए कि स्ट्रक्ट क्या डिफाइन करता है, एक न्यू डाटा टाइप जो किससे मिलके बनता है बच्चों, प्राइमरी या डिराइव, मतलब आईआरए से भी मिलके बनता है। कोई दिक्कत, तो इसका सिंटेक्स समझिए, सिंटेक्स समझते हैं हम। तो स्ट्रक्ट, तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले बच्चों जान जाइए कि हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, क्या लिखना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर का कोई भी स्ट्रक्चर का नाम देना होगा। जैसे हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर कितने मेंबर लेने हैं, मेंबर वन, मेंबर टू है ना, मेंबर थ्री, इसी तरह एन तक ले लेंगे, और कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, दो, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो जाएंगे, ये या दो। तो इसका सिंटेक्स होता है, फिर समझिए, समझा देता हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो आप इसको ये सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा। तो इसका सिंटेक्स एक बार और समझिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट के बाद क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट टाइप, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड, बुक का रिकॉर्ड, फिर मेंबर वन, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है तो मेंबर वन, स्टूडेंट का नाम लेना है मेंबर टू, स्टूडेंट का फादर्स नेम लेना है तीन, और स्टूडेंट का कोर्स लेना है चार, और स्टूडेंट का परसेंटेज लेना है पांच। इसी तरह जितना मेंबर लेना होगा ले लेंगे, लेकिन हर मेंबर के बाद क्या लगेगा बच्चियों, सेमी कॉलन। कोई दिक्कत आती, उसके बाद जितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना होगा तो वन या मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल दे देंगे, जैसे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, आ गया। या दूसरा सिंटेक्स दे देखिए, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक, स्ट्रक टैग वन, मेंबर वन, मेंबर टू, ऐसे करते हैं वेरिएबल। जैसे आइए हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे एक बुक का रिकॉर्ड रखना है बच्चों, एक बुक का रिकॉर्ड रखना होगा तो एक बुक का रिकॉर्ड रखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक, और एक बुक्स है तो बुक्स में अब क्या है, ओपन ब्रैकेट लग गया ना, तो बुक का क्या लेना है, हमें टाइटल लेना है, तो टाइटल नेम में आएगा तो कितने अक्षर का होगा, 50, उसका अथराइज कौन है, ऑथर कौन है, तो राइटर कौन है, तो राइटर का नाम लेना है तो भी करेक्टर, और उसकी बुक की आईडी कितनी है, ये हो गया। तो हमने तीन चीज ले लिया, तो करेक्टर हो गया और उसकी इंटीजर हो गया। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर का। आइए एक और प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, विंडो आर किए मैंने, नोट पैड किया, नोट पैड, एक और स्टूडेंट का समझा देता हूं, नोट पैड मैंने बना के प्रोग्राम रखा हूं, कहन खुल नहीं गया, एन ओ टी ई, ओके, नोट पैड, ठीक है, फाइल हमने ओपन कर लेता हूं। एक और बता देता हूं स्टूडेंट का रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे डेस्कटॉप पे हम गए है ना, डेस्कटॉप पे हमने एक न्यू फोल्डर में प्रोग्राम बना के रखा हूं, अब यहाँ पे आल फाइल्स, स्टूडेंट वन, ओके। आइए जैसे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों तो हमें क्या लिखे यहाँ पे, स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट, ध्यान से समझो, और स्टूडेंट का क्या लेना है बच्चों, नेम लेना है, क्या लेना है बच्चों, नेम, उसका क्या लेना है, रोल नंबर, उसकी ब्रांच या फीस लेना है,
या कोर्स लेना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, कोर्स, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब कोर्स ले लिया और कितने स्टूडेंट की रिकॉर्ड रखना है, तो स्टॉप स्पेस स्टूडेंट वन, कितने स्टूडेंट की रिकॉर्ड रखा, एक, ये बनाना समझ में आया कि नहीं। एक स्टूडेंट का नाम लेना होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया। तो आप यहाँ भी स्टूडेंट वन भी कर सकते थे, अगर बनाना है तो यहाँ पे स्टूडेंट वन ऐसे भी कर सकते हो, कामा स्टूडेंट टू, कितने बच्चों का रिकॉर्ड रखना, दो, तो यहाँ पे इस तरह बना दोगे ना स्ट्रक्चर आप, स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, बोलो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें फीस भी लेना है, क्या लेना बच्चों, फीस, तो फीस हमारा मान लो दशमलव में हो गया, तो फ्लोर फीस ले लिए, कोस्ट में ले लिए, जितना भी देना है मान लीजिए, ठीक है, तो दशमलव में हो गया। तो एक स्टूडेंट का नाम भी लेगा, रोल नंबर भी लेगा, कोर्स भी लेगा और फीस, कितने स्टूडेंट का लेना है, दो, तो समझ में आ गया होगा। तो अब आइए, ये तो हो गया कि एक कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे बुक केवल लिखा हो तो केवल बुक वन का रिकॉर्ड रखा, अगर दो बुक लेना होता तो कामा बुक टू। एग्जाम में सिंटेक्स समझ में आ गया होगा, देखिए ऊपर से मिलाइए, पहला स्ट्रक, तो स्ट्रक लिखना ही पड़ेगा, स्ट्रक का नाम जो भी बुक, तीसरा क्या लिखा बाबू, मेंबर वन, एक लगा देना है मेंबर वन, तो क्या रखना है, टाइटल अदर सब्जेक्ट जितना लेना, फिर बुक वन बुक। अब एग्जाम में आ जाता है एक नंबर में कि इसकी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, अभी ना पढ़ियो, डॉट ऑपरेटर, किसका यूज, तो यहाँ पे कहोगे कि टू एक्सेस द एनी मेंबर्स, किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें कौन किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो डॉट ऑपरेटर, किसकी बाबू, डॉट ऑपरेटर। एग्जाम में अगर इतना याद कर लोगे तो एक नंबर पा जाओगे, ये वाली बॉय, एक नंबर से ज्यादा नहीं आता है। तो आइए समझिए, ये पॉइंट समझ लीजिए, टू एक्सेस द एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर का यूज होता है, डॉट, कभी भूलेगा लाइफ में, अगर ये याद कर लोगे तो कौन नंबर पा जाओगे, एक नंबर। टोटल मिला के अभी तक मैं चार नंबर पढ़ा दिया। पहला स्ट्रक्चर जो होता है होमोजीनियस होता है, उसकी मेंबर को हेट्रोजीनियस होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा। दूसरा ये रिकॉर्ड को रखने के लिए होता है, दो बार। तीसरा उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसका यूज, डाट का। और चौथा जो होता है वेरिएबल को कमा करके दे। आइए दूसरा, जब भी हम इसकी एक्सेस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल और उसके मेंबर को के बीच में डाट लगेगा। तो आइए हम एक प्रोग्राम बनाया जाए बच्चों, अब तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम ऑन स्ट्रक्चर, इसको उतार लीजिए और एक किताब से, तो ये क्या आता है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाना है तो एक बुक वाला ही बना लेते हैं, ST2 बना लेते हैं। आइए एक बुक का रिकॉर्ड बनाना है बच्चों, तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्टूडियो डाटे उतारते जाओ, एग्जाम में आता है कि राइट ए प्रोग्राम ऑन स्ट्रक्चर या कोस्ट में स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ बुक, ये एग्जाम में पूछ चुका है पांच नंबर में, इसको उतारते जाइए। तो समझिए एक बुक का रिकॉर्ड लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, या दे देगा राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ टू बुक यूजिंग स्ट्रक्चर। तो अभी आप लोग पढ़े हो, यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा देंगे, तीसरा स्ट्रिंग डॉट एच क्यों लगा रहे, क्योंकि इसमें बुक का नाम भी लिखेंगे तो स्ट्रिंग होगा, इलेक्ट कॉपी फंक्शन का नाम। ऊपर मिलाइए, ये हमें बुक की टाइटल लेना है, तो ये भी ना पढ़े हो, इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक, स्ट्रक का नाम क्या होगा बच्चों, बुक्स, बुक में क्या क्या लेना है, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसका सब्जेक्ट, चलो एक उसका प्राइज भी ले लेता हूं। तो प्राइज लेना है तो क्या मानेंगे बाबू, इंटीजर, इंटीजर प्राइज भी मान लेता हूं, इंटीजर प्राइज, सेमीकॉलन। और बुक की आईडी लेना है या बुक पेज लेना है, बुक की पेज ले लेता हूं, पेज, एग्जाम में कभी कभी दे देता है बच्चों, बुक की पेज कितनी है। अब कितने बुक का रिकॉर्ड लेना है, एक बुक का रिकॉर्ड लेना है कि दो, तो हम चाहे तो एक पहला तरीका बच्चों लिख लीजिए, यहाँ पे बुक वन कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कामा बुक टू, बुक टू, एक ये तरीका है।
लेकिन हम चाहते तो बाद में भी दे सकते हैं। देखो नीचे अब यहां से वाइट मेन लगाएंगे। अब यहां पे देखो स्टॉक स्पेस कितने बच्चों रिकॉर्ड एग्जाम में कितना पूछा, दो बुक का रिकॉर्ड। तो पहला इसका सिंटेक्स होता है बच्चों स्टॉक स्पेस बुक्स स्पेस बुक वन और स्टॉक स्पेस बुक स्पेस बुक टू। अगर ये दो लाइन यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पे दो वेरिएबल लिया गया डिक्लेयर किया गया, अगर हमें ये दो लाइन हटाना होता बच्चों, ये दोनों लाइन अगर यहाँ पे ना लिख के कहाँ पे लिख सकती थी आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीका हो गया, कितने को रिकॉर्ड रखना है, दो। सर ये लिखने के बाद वाइड मेन लगाएंगे। हाँ वाइड मेन इसके बाद लगता है। अब आइए पहले बुक के बारे में हम चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर ये चीज पहले बुक के बारे में देना है तो पहला क्या है, बुक का टाइटल नेम। तो चलिए मैं बुक का टाइटल नेम दे दिया सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखिए अभी बताया हूँ कि जब भी इसको एक्सेस करना होगा डॉट के द्वारा, तो वेरिएबल इसका क्या है बुक वन डॉट, पहले क्या एक्सेस करना है टाइटल, फिर पहले बुक वन का फिर क्या लेना है ऑथर, तो जो नाम दे रहा हो कॉपी हो जाएगा राज सर ने लिखा। दूसरा एसटीआर का बुक का सब्जेक्ट क्या है, सी प्रोग्रामिंग बुक है ना, सब्जेक्ट हमने बुक लिख दिया। और तीसरा बुक का रोल नंबर क्या है, हमने पेज लिख दिया, चलिए मैं पेज ही लिख देता हूँ, प्राइज प्राइज है तो बुक डॉट प्राइज क्या होगा, बुक डॉट प्राइज प्राइज लिख दिया। कितने का है, मान लीजिए 300 रुपये की बुक है, तीन सौ की है, और बुक की क्या है पेज कितने का है, तो मैं पेज कर देता हूं इसको पेज, चलिए इस लाइन को ही हटा देता हूं, कम कम समय में हो जा। बुक की प्राइस हो गई 300, फिर मिलाओ मैंने दो चीज किया पेज, एक पेज को हटा देता हूं, प्राइस मस्त माना हो बाबू, क्या माना प्राइज बता रहा हूँ कहाँ पे, नहीं यहाँ पे। तो एक तरीका, दो तरीका भी ना बताया हूँ आप लोग सुने नहीं हो, देखो एक तरीका और बच्चों, अगर यहाँ दो बुक का रिकॉर्ड देना है ना, तो अगर ये दोनों लाइन हटा के तुम चाहती हो एक लाइन, एक तरीका है, अगर इस लाइन को मैं हटा दिया तो यहाँ पे भी लिख सकते हो बुक वन कामा बुक टू, कोई कंफ्यूजन देख लो, तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंटेक्स अभी पहला दिन है, बुक वन कामा बुक टू, अभी समझा दे रहा हूं। देखिए छोटा कर दिया, कितने बुक का रिकॉर्ड रखना है, दो, तो भाई पहले दोनों का बता दे रहा हूं, एक का ही रखना तो एक का ही कर दो। बुक की प्राइस क्या है, तो बुक डॉट प्राइस प्राइस 1000 मान लीजिए 100 रुपये की बुक है। दूसरे बुक की डाटा रखना है तो हम यहाँ पे देखो एसटीआर कॉपी दूसरे बुक को यूज कर लिया, यहाँ देखिए दूसरे बुक का ले लिया, दूसरे बुक का प्राइस 300 कर दिया। अब आइए अब आउटपुट करना है, तो सबकी डाटा को आउटपुट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आउटपुट करना है तो बुक की प्राइस, फिर यहाँ पे बुक की प्राइस पहले रन करा देने दीजिए तब समझा दे रहा हूँ। अब आइए ऊपर समझो, हाँ क्योंकि दो बुक का है ना, अब आइए ऊपर समझो एक बार। और पहला हैच स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच स्ट्रिंग, ये तीन हेडर समझ में आ गया। अब हमें स्ट्रक्चर पढ़ना, किसका रिकॉर्ड रखना बच्चों, दो बुक का, कितने बुक का, दो। तो यहाँ पे अभी पढ़े हो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, मिला लीजिए अभी ना सिंटेक्स पढ़े हो, सिंटेक्स मिलाओ क्या था, स्ट्रक्ट स्पेस बुक का नाम, सही है गलत बच्चों। अब पहले बुक का क्या लेना है टाइटल, फिर क्या लेना है आधार, फिर सब्जेक्ट और प्राइस, और पेज हटा देता हूँ। अब कितने, अब बताए थे कि जब मेंबर खत्म हो जाएगा तो ये आपको ओपन बंद हो गया, ये मेंबर्स बन गए, कितने बुक का रिकॉर्ड लेना बच्चों, दो। तो हमने बताया था वन या दो वेरिएबल ले लोगे, ये तो इतना तक पुरानी चीज हो गई नहीं, अभी पढ़े हो कि किसी भी वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे, डॉट वन का। तो अब बताओ पहले बुक का टाइटल दोगे, पहले बुक का ऑथर दोगे, पहले बुक का सब्जेक्ट दोगे, पहले बुक का प्राइस दोगे कि नहीं दोगे, तो चार बार प्रिंट अप कराओगे कि नहीं कराओगे,
तो अगला देखिए एसटीआर सीपीवाई कर दिया कि वही जो नाम दे दिया, पहले बुक का नाम हमने दिया था बुक वन डॉट टाइटल, पहले बुक का ऑथर हमने अपना नाम दिया, पहला बुक किसने द्वारा लिखा है सी प्रोग्रामिंग बुक, इसकी प्राइस हो गई। अब आइए दूसरा बुक हमने नेटवर्किंग किया और इसको लिखने वाला मैंने फुल अपना नाम लिख दिया कि मैं लिख रहा हूँ नेटवर्किंग की बुक आ गया, और इसका सब्जेक्ट नेटवर्किंग की बुक हो गई, इसकी प्राइस 300 की। तो ये तो हमारा एक एक मेंबर पहला यहाँ पे पहले बुक की मेंबर यहाँ एक्सेस कर दिया गया दूसरे मेंबर को यहाँ पे, सही गलत? अगर एक एक होगा तो एक एक करते। अब इसे आउटपुट कराओगे कि नहीं कराओगे? तो आउटपुट कराओगे तो चार बार ये हुआ तो चार बार ये आउटपुट होगा कि नहीं? तो पहली बार पहले बुक की इन्फॉर्मेशन आउटपुट करे, बोलो आउटपुट करना है। तो आउटपुट कराने के लिए क्या लिखोगे? बुक वन की टाइटल बराबर क्या लिख क्या है, बुक वन टू टाइटल बराबर क्या है, सब्जेक्ट बराबर क्या है। अब आइए यहाँ समझिए, पहला हमारा स्ट्रिंग है तो यस को नाम दो देगा स्ट्रिंग हो इसलिए यस, दूसरे बुक का जो आर्थर देगा वो भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये बुक का जो प्राइस है बच्चियों परसेंटेज क्या लगेगा, डी लगेगा। इसी तरह बुक वन बुक टू इसी तरह ऑथराइज देगा, बराबर लगाते जाओ तभी देखिए आउटपुट करेगा पहले, ठीक है। इसी तरह हमने दो बुक को आउटपुट कराया और यहाँ पे प्राइस कर दिया। तो अगर मैं अगर एग्जाम में अगर एक पूछेगा तो आप बुक टू बनाओगे? नहीं। अब यहाँ पे कैसे आइए हम रन करा के दिखा देते हैं, सेव एज किए, सेव एज करने के बाद सी ड्राइव में गए, पहले रन करा के देखो, सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव टर्बो सी डिस्क टर्बो थ्री बी और सेव कर दिया, रन कराते हैं। एस टू टर्बो सी सॉफ्टवेयर कहाँ गया जी, टर्बो सी अनइंस्टॉल हो गया क्या? तो अब इसको जब रन कराओगे आप तो ये आपको टोटल क्या हो जाएगी, बुक वन का नाम दे देगा और बुक टू का दे देगा, कोई दिक्कत? अगला ये एक और एग्जांपल समझा देते हैं, अभी नोट कर लेना। बुक टू का आप देखना है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, रुक जाओ यार, डेस्कटॉप टू पे जाते हैं। अब आइए कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है बच्चों, अगर एग्जाम में कह दिया कि अगर छोटा सा प्रोग्राम बनाना है कोई जरूर नहीं इसी को बनाएंगे, आइए कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है तो आप क्या करेंगे, एक और प्रोग्राम बना देता है स्टूडेंट की रिकॉर्ड लेना है, तो स्टॉप स्पेस स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लेना है, स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, बस। तो वाइड मेन देखिए दूसरा तरीका ये, स्टूडेंट स्पेस स्टूडेंट एस वन, अब यहाँ पे हमने आई एफ प्रिंट कराना है तो एस वन की वेरिएबल देना है, तो एस वन डॉट रोल नंबर दे दिए, देखो एक्सेस कराने के लिए एस वन डॉट रोल नंबर, अब दूसरे की क्या करना है नाम लेना है तो एस टी आर कॉपी एस डॉट नेम, और दूसरा हमको क्या करना है डिस्प्ले कराना है, तो कितना बार आउटपुट, तो आप लोग छोटा वाला उतार लीजिए, ये देखिए छोटा मैंने बना दिया, एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर और दे, तो क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप है कि नहीं, उसका नाम और क्या रोल हमने प्रिंट कराया। तो अगला ये कोर्स भी करवा देता हूँ, चार उतार लो आप लोग, ये उतारो कोर्स, कोर्स ले लिया, कोर्स मान लिया आपका ओ लेवल है, तो ये दोनों रन करा के दिखा देता हूँ आप लोग, तो आप उतारो फटाफट, एस टी आर सी पी वाई, ठीक है, पोस्ट में एस वन डॉट कोर्स रहेगा बच्ची, लिखा हूं कोर्स कामा जो भी देना है ओ लेवल,
और इसको प्रिंट कर लेते। रोल नंबर और फिर सर क्या क्या प्रिंट करना है, कोर्स कहाँ पे रहेगा बाबू, नेम आप स्टूडेंट, कोर्स आप स्टूडेंट, ठीक है। अब यशवंत डॉट कोर्स, तो अब आइए यहाँ पे कोर्स भी डाल दिया गया, अभी उतार लेना पहले समझ लो। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, नेम, तो इसलिए हमने यशवंत डॉट नेम दे दिया। दूसरा क्या लिया, कोर्स, तो कोर्स दे दिया ओ लेवल, और कोर्स को प्रिंट करना है तो कोर्स को प्रिंट कर देंगे। ऊपर लिए हैं क्या, ठीक है। अब इसको रन करा देना है, सेव एज, टर्बो सी, अभी मैं लोड करके इसको रन करा देता हूं, बीन एस वन। चलिए चलो उतार लीजिए आप लोग, ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ। तो बीन के अंदर एसटी नाम का फाइल खोल दिए। अब आइए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, तो हमने एक दो हेडर फाइल लगाया, एक इसमें स्ट्रिंग डॉट एस लेना है, तो स्टूडेंट की रिकॉर्ड लेना है, तो हम क्या लिखें बाबू, स्टॉप स्पेस, स्टूडेंट का क्या लेना है, नेम लेना है, कोर्स लेना है और रोल नंबर। तो चलिए हम रोल नंबर ऊपर भी कर सकते हैं, एक स्टूडेंट की पहले हमने रोल नंबर ले लिया है ना, फिर क्या ले लिया, उसका नेम ले लिया, कोर्स ले लिया और एक फ्लोट बना लेते हैं, फीस ले लेते हैं। तो फीस किस में हो जाएगी, चलिए फ्लोट में मान लेते हैं, फ्लोट फीस, सेमी कॉलन। अब कितने स्टूडेंट की रिकॉर्ड रखना है, एक का मैंने पहले रख के दिखा रहा हूँ, तो एस वन मान लेंगे या स्टूडेंट वन, तो यहाँ पे स्टूडेंट वन मान लिए, सही है ना। अब स्टूडेंट वन का है तो पहले स्टूडेंट का क्या चाहिए, रोल नंबर, तो हमने एस वन डॉट क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, रोल नंबर लेना है, तो स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर, इसका रोल नंबर हमने दे दिया 201। फिर उसका नाम लेना है, तो हमने एस टी आर कॉपी पढ़े थे, जो नाम देंगे वही हो जाएगा, मान ली उस स्टूडेंट का नाम है अजय, अजय है ना, अजय प्रजापति, अजय कुमार, कुमार। फिर उसका क्या लेना है बच्चों, कोर्स, तो एस वन डॉट क्या कर देंगे, कोर्स उनका है ओ लेवल, सही है। फीस उनका क्या लेना है, फिर बच्चों फीस लेना है, क्या लेना है, फीस लेना है, तो फ्लोट में है तो फीस हमने दशमलव में दे देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट वन है ना, सब में वन है, यहाँ पे एस टी देखिएगा, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट वन, सही है। डॉट क्या है, फीस है ना बच्चों, तो फीस बराबर हम दशमलव में दे देते हैं, तो फीस है इनका 10,000 रुपया, 10,000 है ना, या 10 न कर दो, मान लो 1,000 फीस है, तो 1,040.49 कर लिए, तो ये दशमलव हो गया। पहले स्टूडेंट की रोल नंबर प्रिंट करना है, तो देखिए आउटपुट लेना है, तो बच्चों रोल नंबर को अब ये हुआ प्रिंट करने के लिए, मतलब यहाँ पे लिख दो सकते हो प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ लिख दो एक आउटपुट करने के लिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड है कि नहीं बच्चों, स्टूडेंट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आर ई सी ओ आर डी, रिकॉर्ड बैक स्लैश एन, ये तो हम बताए थे, अपने मन से भी कोडिंग कर सकते हो, सेमिकॉलन। पहले हमको स्टूडेंट का रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर किस में प्रिंट होता है, परसेंटेज डी में, तो रोल नंबर। दूसरे का क्या देना है, नेम, फिर कोर्स, अब फिर क्या देना है, फीस, तो फीस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज एफ, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे हम कंट्रोल बी कर देते हैं, फीस ले लेते हैं, तो फीस ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे फी ले लिए, फी ऑफ स्टूडेंट वन की फीस क्या चाहिए, तो परसेंटेज एफ में लिख लिए, और यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट क्या कर देंगे, फी कर देंगे, सही है कि नहीं बाबू। अब यहाँ पे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट एस टी, एस टी, एस टी, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट को, अब इसको गेस्ट सीएस लगा, तो अब आइए शुरू से फिर समझ लेते हैं कि हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, तो इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नाम, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना, तो रोल नंबर में हमने डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप लिया कि नहीं लिया, पढ़े थे स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप,
एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है तो S1 ले लिए, वाइडमैन एक एक स्टूडेंट का दिया हमने, एक स्टूडेंट की क्या कर दिया, अब इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना है। तुम चाहते हो अलग अलग लाइन में हो, तो अब आइए इसको हम सेव कर लेते हैं। और सी ड्राइव के अंदर किस नाम से सेव करेंगे, रिकॉर्ड नाम से है ना, या स्ट्रक्चर कर देते हैं ST1.cpp, कोई भी नाम दे दीजिए। अब इसको रन करा के दिखाना है। टर्बो सी हमने खोला, देखिए टर्बो सी खुल गया। और एक प्रोग्राम अगर आप बना देते हो तो एग्जाम में अगर आ जाता है व्हाट इज स्ट्रक्चर, और राइट ए प्रोग्राम ऑन स्ट्रक्चर जो बना देगा तो एग्जाम में 5 नंबर कोई नहीं रुक पाएगा। ST1 यहाँ मिला लीजिए, वही कोडिंग आ गई। पहले कंपाइल कराइए, एक भी एरर नहीं आएगा जब सही उतारोगे तो। एक एरर आया, मिलाइए कहाँ गलती है, क्योंकि ST देखिए यहाँ पे बाद में कट गया है, तो यहाँ पे ST1 बता रहा है सही है। फिर रन कराइए, 0 एरर आ गया। देखिए लिख के आया स्टूडेंट का रिकॉर्ड, रोल नंबर 201 अजय कुमार ओ लेवल, ये आपका टोटल एक काम में किया कि नहीं। अब आइए इसको बाहर निकलना है, ठीक है। तुम चाहते हो दशमलव के बाद केवल दो ही संख्या है, तो यहाँ पे 0.2 क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। अब देखिए रोल नंबर क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, रोल नंबर बदल देते हैं, रोल नंबर इसका है बच्चों 101 कर देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे दो स्टूडेंट का एग्जाम में पूछ दिया, क्लियर स्क्रीन लगा दीजिए है ना। तो CLR सेमीकॉलन, देखिए रोल नंबर बदल जाएगा, ठीक है, रोल नंबर 101 हुआ, काम किया कि नहीं किया। और दशमलव के बाद कितना रहा, 49 काम कर रहा है। अब मान लीजिए हमें एग्जाम में पूछ दिया कि दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, तो आपको कुछ करना नहीं है बच्चों, यहीं पे विंडो आर करेंगे, ओपन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, वही फाइल को खोल लीजिए, student1.cpp ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड है, तो यहीं पे कामा करके क्या कर लेंगे, S2 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब पहले का रोल नंबर दिए हैं, इसी तरह आप किसका रोल नंबर दे देंगे, दूसरे का रोल नंबर दे देंगे। यहाँ पे कॉल करके देखो बुला रहे हैं, एक ही लाइन में S2 क्या कर दोगे, S2.rollNumber हमने इसका कितना दे दिया, 2। फिर पहले का नाम अजय कुमार है, तो दूसरे स्टूडेंट का नाम देना है, तो STR कॉपी स्टूडेंट क्या कर दोगे यहाँ पे, 2। इसका नाम कर दो संजय सिंह, या मान लो पूजा नाम दे दिया, पूजा कुमारी, ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट का नाम देना है, दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कर दिया, स्टूडेंट उसका कोर्स डाल दो, उनका मान लो CCC है, T2 बराबर CCC यहाँ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसर का अगर फीस लेना है, तो पहले स्टूडेंट की फीस है, दूसरे की फीस 2000 है, तो CTRL-C करो CTRL-V, student2 की फीस कर देते हैं 2000 रुपया, ठीक है ना। तो या मान ली इसकी फीस थी 10000 है ना, इसकी 10000 थी मान लीजिए, इनको मैं 2000 कर देता हूँ, 2000, ठीक है। प्रिंट अप पहले स्टूडेंट के रिकॉर्ड करना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रिंट 1x1, पहले स्टूडेंट की रिकॉर्ड करो, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 है ना, प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 पहले का ही हो गया। इसी तरह आप किसका प्रिंट कर दोगे, दूसरे का कर दो, इसी तरह एक 4 बार ये भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, प्रिंट रिकॉर्ड आप 2। अब यहाँ पे जितना है 2-2 कर लो, क्योंकि ये तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में तो 4 नंबर के जगह पे 8 नंबर का पूछेगा, 2 स्टूडेंट के। अब जहाँ पे स्टूडेंट 1 है वहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। तो देखिए कोडिंग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और गेट CS लगा दो, आ गया। अब यहाँ पे कोडिंग करने के बाद है ना, इसे सेव एज करिए, सेव एज करने के बाद v.cpp कोई भी नाम सेव करो, रन करिए, F3 करिए, ठीक है। विंटर देखिए पहले का रिकॉर्ड दे दिया स्टूडेंट 1, 101 ओ लेवल, दूसरे का देखिए CCC आया कि नहीं है। तो दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर प्रिंट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक बार मिला लीजिए, और
ये आपका हो गया व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड यूजिंग अ स्ट्रक्चर। तो ये मैं उतार दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल आपका ये कंप्लीट हुआ। तो ये एग्जाम में आता है।